हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेनिला स्पॉन्ज केक कैसे बनाया जाता है वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमने 50 ग्राम हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है बिना किसी फ्लेवर का। इसके बाद मैंने घर की ही फ्रेश दही ली है 80 ग्राम्स। इसके बाद ये 120 ग्राम्स मैंने पाउडर्ड शुगर इसमें डाल दिया है। देखिए, हम इन तीनों को इस तरह से मिक्स कर देंगे इसको। ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक कप मैदा लेंगे और इससे हम उसको छान लेंगे ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना रहे। इसमें एक बड़ा चम्मच अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा और इसमें 2-3 पिंच हम डालेंगे वेनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको घोल को अपने इस तरह से मिक्स करना है ये बैटर बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से कट एंड फोल्ड में हमें इसको अपने बैटर को मिक्स करना है। और ये अगर हम इसको इस तरह से ज्यादा फेटेंगे तो जो हमारा जो केक होता है वो बहुत ही डेंस बन जाएगा, इसलिए हमें ये कट एंड फोल्ड से ही हमें अपना केक को, इसके बैटर को हमें तैयार करना है। अभी देखिए काफी थिक है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे। एक साथ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लेंगे ताकि इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ जाए। ये अभी थोड़ा सा थिक है, ये देखिए। इसको इस तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए हमें अपना बैटर इसका हमें तैयार करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से रिबन, इसकी रिबन लाइक फ्लो आ रहा है इसमें। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी हमने अपने केक को बेक करने के लिए मैंने डीप एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने नमक डाल दिया है और ये मैंने इसमें साचा लगा दिया है क्योंकि हमें अभी इसको कढ़ाई को अपनी प्री हीट करना है इसमें अपना बैटर रखने से पहले। तो अब हम अपने केक टिन में हमने यहाँ पर ये ऑयल से इसकी ग्रीसिंग कर दी है। अगर आप, आपके पास बटर पेपर आप वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा मैदा की तरह से डस्टिंग कर देंगे। अब देखिए, ये हम अपना जो बैटर है था हमारा, ये हम अपने इस केक कंटेनर में डाल देंगे और इतने ये हम अपना बैटर तैयार करते हैं। इतने हमने अपनी कढ़ाई को प्री हीट भी कर लिया है। हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले बैटर तैयार करेंगे उसके बाद हम कढ़ाई को तैयार करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसको इस पे रख देंगे और इसको ढककर कम से कम 25-30 मिनट के लिए इसको हम बेक होने देते हैं। देखिए, अब मैंने अपनी नॉब बंद कर दी है और मुझे इसको बेक करने में 30 मिनट्स लगे हैं। और ये देखिए, अब मैं इसको चेक करके देख रही हूँ कि ये हमारा सही बना है या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लियर आया है। अब इसको हम इसको निकाल रहे हैं बाहर। अब ये देखिए, इसको अब हम ठंडा होने देंगे पहले, और हमें इसको ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है। बस हम इसको आराम से टच कर सके, हमें इसको इतना ठंडा करना है। इसको 10 मिनट के लिए अभी मैं रख रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसको आसानी से टच कर पा रही हूँ। तो अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे कर देंगे और अब इसको ऐसे, ये हमने टैप किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बन गया है हमारा वेनिला स्पॉन्ज केक। ये देखिए, ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, स्पॉन्जी एंड फ्लफी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वेनिला स्पॉन्ज केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.